नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उन्नाव डीएम एएसपी ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। खंगाली बैरिक। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां डीएम और एएसपी ने एक साथ जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली। अफसरों ने जेल के अधिकारी व कर्मियों को बंदियों की समस्याओं को ध्यान में रखकर निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही बागपत, सहारनपुर के बंद कुख्यात अपराधियों की बैरक खंगाली, अन्य बैरकों की भी गहनता से जांच पड़ताल की। मोबाइल फोन भी खंगाले, ऐसी कोई वस्तु बरामद नहीं हुई। बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता परखने के साथ कई व्यवस्थाएं देखी। डीएम अपूर्वा दुबे व एएसपी शशि शेखर सिंह ने दोपहर को अचानक जेल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। डीएम एएसपी को देख जेल गेट पर लगे सुरक्षा कर्मी हरकत में आ गए। जेल अधीक्षक के अलावा अन्य स्टाफ के लोगों ने दोनों अधिकारियों को जेल का भ्रमण कराया। इस दौरान साफ सफाई पर डीएम ने कहा कि वर्षा हो रही है, ऐसे में सफाई के मामले में लापरवाही न बरतें। अधिकारियों ने सभी बैरकों का निरीक्षण करने के साथ ही भोजनालय में बंदियों और कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता देखी। साथ ही जेल में बंद कुख्यात अपराधियों की बैरक खंगाली, कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। अफसरों ने जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। जेल में बंद बंदियों के अच्छे भोजन के साथ ही मेस में साफ सफाई रखने की डीएम ने बात कही है। करीब आधे घंटे तक निरीक्षण करने के बाद जेल से वापस लौट गए। जिलाधिकारी अपूर्व दुबे ने बताया। कैमरामैन बबीता वर्मा के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। आज मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो संयुक्त रूप से जेल का जो भ्रमण है वो किया गया है। खान पान की व्यवस्था एवं शासन के जो अन्य दिशा निर्देश हैं उनके क्रम में चेकिंग कराई गई है। पर्टिकुलरली किस प्रकार से साफ सफाई की भी व्यवस्था भी साथ में रखी जानी है, क्योंकि वर्षा के समय में किस प्रकार की व्यवस्था की जानी है उसको लेकर के कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। इसके पृथक आप बाढ़ का पूछे थे ना, हाँ